हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमित किस्नेहा। तो मैं फिर से नए ब्लॉग के साथ आ गई हूँ। तो आज हम लोग देसी स्टाइल में मछली बनाने वाले हैं, क्योंकि मेरा यहाँ मायके में बहुत ज़्यादा ही नियम मेरा मम्मी करती है, तो किचन में घुसाने नहीं देती है। और हम लोग स्टोव में बनाते तो हम लोग का स्टोव हो चुका है ख़राब, तो अभी हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो देखिए प्रिपरेशन जारी है, मम्मी चूल्हा जला चुकी है, बट बारिश इतना हुआ था कि इतना भीगा हुआ है लकड़ी कि बहुत प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग को जलाने में। तो जल रहा है चूल्हा, अभी लाते हैं कढ़ाई, वहाँ गर्म करने के लिए चढ़ाए हैं गैस पे, क्योंकि यहाँ अभी हो नहीं रहा था। तो देखिए अब कैसे क्या बनता है, कितना बचता है, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। ये हो गया है चूल्हा जल के तैयार, ये रहा हमारा मछली, ये रहा आंसू आंसू। तेल देना होगा, तेल कम दिन देंगे, तो बाल नहीं मसाला भुंजा रहा है तो फिर बच जाए, तेल बचना नहीं चाहिए। आंसू धुआं से परेशान, आंसू अंदर चले जाओ, यहाँ धुआं आएगा। तो मैं पहली बार लकड़ी के चूल्हे पे खाना बना रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया स्टोव खराब हो चुका है और हम लोग के किचन में मीट मछली अंडा कुछ भी किचन के अंदर नहीं जाता है। तो हम लोग इधर ही स्टोव पे बनाते थे, बट स्टोव हो चुका है ख़राब, इसीलिए अभी हम लोग क्या करें, इमरजेंसी हो गया है। तो हम लोग लकड़ी अभी जलाए हैं और पापा बोल भी रहे हैं कि इसमें बनाओगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, इसलिए हम लोग इसे बना रहे हैं। देखो अब कब तक बनता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है और सबको हो चुके हैं परेशान, आंसू भी, और आंसू अंदर जा भी नहीं रहा है क्योंकि वो बोल रहा है मुझे देखना है मछली। तो ठीक है, जब भुंजाता है उसके बाद आपको प्रोसेस भी बताएंगे कैसे कैसे क्या करा। अभी हम लोग मछली फ्राई कर रहे हैं, दिखा दो सामने, मछली हो रहा है फ्राई। तो हमने पहले इसे कैसे फ्राई करा था तो मैं आपको बता देती हूँ। तो हम मछली को मैंने अच्छे से धो लिया है, उसके बाद इसमें हल्दी नमक और आप चाहो तो लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हो, तो मैंने नहीं डाला क्योंकि बाद में हम लोग डालेंगे, पर बहुत जन इसमें भी डालते हैं। इसे दिखाओ, इसे बहुत जन आजकल देख भी नहीं पाते हैं, ये इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा काम आता है, जब लाइन नहीं रहता है इन्वर्टर नहीं रहता है, पर हम लोग को तो आता नहीं है ये सब करने, पर मम्मी को आता है। तो लगभग सारा मछली हो चुका है फ्राई, ये देखिए अब फ्रिज पर जो मछली होता है उसका जो मुंडी होता है वही बचा है, वही बस उसके बाद फिर हम लोग फ्राई करेंगे। हालत खराब हो रहा है हम लोग का मेरा। तो ये है मसाला, ऐसा है ना कि मम्मी हम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो बोल के गैस में पहले फ्राई कर दी थी मसाला, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें है। तो इसमें हमने सरसों पोस्तों और जीरा गोलकी धनिया और टमाटर यूज़ किया है, लहसुन का पेस्ट, बस इतना ही चीज़ से हम लोग का मछली का मसाला हो गया रेडी। बन गया है तेरा, रुको आप भुंजिया खाएगा ना, थोड़ा पानी लाओ। हमने इतना पानी डाल दिया है, आपको कितना मोटा या पतला ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप भी पानी डाल दीजिएगा, पर जो इसका टेस्ट रहेगा ना लकड़ी वाला, तो मैं आपको पापा से सबका रिएक्शन भी बताऊंगी कि सबको कैसा लग रहा है। और मम्मी तो खाती नहीं है क्योंकि मम्मी प्योर वेजिटेरियन है, इसलिए मम्मी तो खाती नहीं है,
उससे पापा भैया से पूछेंगे कैसा लगा, मैं भी बताऊंगी। मैं भी शायद पहली बार खाने वाली हूँ, मतलब नानी घर गाँव वगैरह मतलब गई हूँ तो खाई हूँ, बट ऐसे यहाँ मैं कभी खाई नहीं लगता, क्योंकि स्टोव में ही हमेशा बनता था। तो अब देखते हैं कैसा लगेगा। देखिए हमारा मछली बनके हो गया तैयार। मैं डाल रही थी तब दिखा नहीं पाई, क्योंकि हमारे घर में पंडित जी आ गए थे, तो मैं अभी दिखा दे रही हूँ। तो क्या करना है, पानी खोल जाएगा तब, खोल जाए तब मछली को डाल देना, 5 मिनट के बाद बंद कर देना, बस यही है रेसिपी। तो अभी सबसे पूछेंगे कैसा लग रहा है, और मैं भी खा के देखूँगी कि कैसा बना है। कैसा लग रहा मछली? तुम भी खा के देखो कैसा लग रहा, बताओ। अच्छा। खा तो लो पहले, अच्छा है? हाँ। चलो खिला देंगे तुमको। कैसा बना मछली? अच्छा। तो सबसे हमने पूछ लिया कैसा लगा, पापा भैया छोटी सबको पसंद आया। तो अब मैं टेस्ट करके देखती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है या नहीं। तो गाइस अब मैं खाना खाने जा रही हूँ, देखती हूँ कैसा लग रहा है। सीरियसली बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। अब खाना खाने के बाद मिलते हैं। तो अभी हमने खाना वाना सब खा लिया, तो आप लोग को मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो ठीक है गाइस, जब नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग से मुलाकात होगी, ऐसे मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग लाते रहूँगी और आप लोग को एंटरटेन करते रहूँगी। तो आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए, जो नए हैं सब्सक्राइब करते हुए जाइए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो ठीक है गाइस, जब हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, बाय 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 करो बाय बाय।